बटर पेपर हैं, और जी रमज़ान आया तो उसकी डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ें हैं। ज़हनी तौर पे तैयार होके गए थे क्योंकि आपको पता है महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ के रेट बढ़ चुके हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जी आज रमज़ान ग्रोसरी, मंथली ग्रोसरी सारा कुछ आज हमने कर लिया है फाइनली। और यहाँ पे ये ज़ैनब भी साथ गई थी और अनाया भी, अनाया तो इतना थक गई ना, उसे तो आते प्यास लग गई है। ये सारी जो सब चीज़ें हैं ना, मैं तो लेके आता हूँ, ये सब तो करती ही क्या है। हाँ वहाँ सारा काम अनाया ही तो करती है हमारे साथ, ट्रॉली सारी अनाया ने तो पकड़ी होगी। दूध बुनियाद पीती हूँ। और कहाँ है ये देखें, ये ज़ैनब का न्यू फीडर भी आया है। ये अभी तक ज़ैनब फीडर पीती है। ओए ओए, अच्छा वो तो बड़ी टाइम है। चलो अभी इसको वॉश करेंगे ना, फिर वॉश करेंगे तो फिर ऐसे नहीं, ऐसे इसको यूज़ नहीं करते, पहले इसको अच्छे से बॉईल करेंगे ना, गर्म पानी से धोएंगे। हाँ तो फिर करेंगे, ये मेरा हो जाए। हाँ जी ये देख ले, कमाल है। चलो आप दोनों आप जाएं, मुझे ग्रोसरी दिखाने दें अपने फ्रेंड को कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। चले जी फ्रेंड, आपको ग्रोसरी दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ रमज़ान के लिए। और जी ये है सैंडविच, चीज़, समोसा एंड रोल पट्टी। दो रोल पट्टी ले लिए, एक समोसा पट्टी मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी तो एक मैंने और ले लिया। और मिल्क पैक बटर है, ये पिज़्ज़ा चीज़ है, ये चैडर और मोज़रेला आई थिंक मिक्स होती है पिज़्ज़ा के लिए, अलग से नहीं लेनी पड़ती दोनों, तो ये मैंने एक बाय की है। और जी ये इमली है, इमली के ये दो पैकेट लिए हैं मैंने। ये साबूदाना है, साबूदाना ड्रिंक बनाएंगे रमज़ान में हम। और जी ये है पाइनएप्पल कॉकटेल, ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, ख़ासकर डिजर्ट जो होते हैं ना उसमें। और जी सबकी फरमाइश पे टैंग। अच्छा ठीक है, चुप करो ना, चुप कर जाओ। और जैनब का नीडो बुनियाद, और ये मैं मिल्क पैक क्रीम लाई हूँ। और ये मैं इस बार 5 लेके आई हूँ, वैसे मैं ज़्यादा लेके आती हूँ, तकरीबन 10 लेके आती हूँ, लेकिन इस बार इसकी प्राइस थोड़ी हाई होगी तो मैंने कहा चलो वक्ती तौर पर हम 5 ले जाते हैं, फिर ख़त्म होगी तो फिर देख लेंगे। और ये एक रेडी टू कुक है, ये केक है, केक मिक्स है। हाँ ये रुबाब की फरमाइश पर लेके आई हूँ, अभी से बनाएंगे तो फिर मैं आपसे भी शेयर करूँगी कि ये कैसा बनता है। और जी भल्ले पकौड़ियाँ हैं, अच्छा ये क्या, गरम मसाला पाउडर, सुरख मिर्च, ये अनारदाना, ये मसाला जा। और जी लहसुन पाउडर, अदरक पाउडर, कसूरी मेथी है, बिरयानी मसाला है, क्योंकि रमज़ान में इतना टाइम नहीं होता कि हम मसाले घर में बनाएं तो मैं ये रेडीमेड ही ले आई हूँ ताकि जल्दी जल्दी से सारा काम हो जाएगा। और अनारदाना पाउडर है, अनारदाना पाउडर भी लाई हूँ, दूसरा भी लाई हूँ। ये है जी एल्बो मैक्रोनी, एल्बो मैक्रोनी पास्ता है, और ये यहाँ से ना फटा हुआ निकला, यहाँ से गिर रही थी। सुखा धनिया, कढ़ाही मसाला, केचप, चिल्ली गार्लिक सॉस, जैम, क्योंकि जैनब तो अभी छोटी है, रोज़े नहीं रखेगी तो वो फिर उसके नाश्ते वगैरह के लिए जैम। अच्छा जी, और ये है जी क्रिस्को की जेली, ये बहुत ही मज़ेदार है, इसका कलर भी बहुत अच्छा है, रेड कलर है प्योर इसका। इसके अलावा जी चिली सॉस, और लाई हूँ मैं चॉकलेट सिरप, कुछ ना कुछ ड्रिंक वगैरह बनाने के लिए या डिज़र्ट्स बनाएंगे उसके ऊपर हम इसको डेकोरेट करेंगे। और लेमन जूस है बना बनाया, मस्टर्ड पाउडर, और ये कोका पाउडर भी लाई हूँ, कोई ब्राउनीज वगैरह बनाऊँगी तो कोई ऐसा उसके लिए। वनीला एसेंस, स्वीट डिशेस में ये डाला जाता। और जी पीछे नाया और ज़ैनब ने इतना ज़्यादा शोर मचाया हुआ था कि फाइनली मैंने कहा वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ, क्योंकि फिर इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, ये वजह कि मैं अपनी वीडियोस में ज़्यादातर वॉइस ओवर करती हूँ, वरना बहुत ज़्यादा शोर आता है बच्चों का। तो ये है जी वाइटल टी 1/2 kg, ये लेके आई हूँ मैं, ज़्यादा बड़ा पैकेट नहीं लेके आई,
क्योंकि चाय कम ही बनती है रोज़ों में। और इसके अलावा ये स्कॉच ब्राइट है, लेमन मैक्स बार है, सेव गर वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। और ये ट्रांसपेरेंट ग्लास हैं, और मैंने कहा इसमें कुछ अच्छा सा ड्रिंक वगैरह बनाए ना तो बड़ा अच्छा डेकोरेट होता है। और इसके अलावा जी ये बटर पेपर हैं और ये कैंडल्स हैं, मतलब अच्छे से कुछ लुक देने के लिए कि रमज़ान सहरी इफ्तारी के लिए वक्त अच्छा लगता है। और इसके अलावा ये स्ट्रॉज हैं, मैंने कहा जी गर्मियाँ आ रही हैं तो बस ये ड्रिंक वगैरह तो बनाया। और ज़ैनब आप बहुत शोर कर रहे हो, ये देखें फ्रेंड्स, ये होता है यहाँ पे घर में, ये होता है। और शावर जी हमारा टूट गया था तो हमने कहा एक न्यू ले आए, टिश्यू रोल, ये वाला फिनाइल लाई हूँ मैं, बाकी ये सारे टिश्यू हैं। इसके अलावा ये शैम्पू हैं, ये वाला दो अनाया उनके लिए ये लाई हूँ, अपने लिए मैं ये लाई हूँ, और इनके पापा ये यूज़ करते हैं ट्रेसिमी। और जी इस दफ़ा मैं लाई हूँ ऑयल सीजन कनोला, ये 4.5 के ये होता है ये बड़े वाला, और ये छोटा वाला 3 लीटर का है ऑलमोस्ट। अल्लाह करे कि अब पूरा मंथ ये सारी ग्रोथ ही निकल जाए। और जी ये ज़रूर आपको कोई जूस लग रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये है जी हैंड वॉश है, तो इसकी बड़ी बोतल आई हुई थी तो मैंने कहा ये बड़ी वाली ले लेते हैं, और खाली बोटल्स तो हमारे घर में मौजूद ही होती हैं तो ये उसमें कर लेंगे एडजस्ट, माइज होगी। और जी बाकी चीज़ें उधर पड़ी है, मैं आपको उधर से जाके दिखाती हूँ। और जी ये मैं क्यूब प्लेट लेके आई हूँ, क्यूब्स के लिए ट्रे हैं, ये 3 में लेके आई थी, मुझे ये बड़ी अच्छी लगी थी ना, तो ये लेके आई। ये लाइटर भी मेरा ख़त्म हुआ हुआ था। उसके बाद जी ये ब्राइट है 2 kg और 1.5 kg का ही मैदा लाई हूँ मैं, देखे कितने दिन चलेगा, जैसे जैसे भी चीज़ें ख़त्म होंगी फिर देख लेंगे। ये है जी शक्कर, चीनी और चावल हमारे घर में थे तो वो मैं नहीं लेके आई हूँ, और आटा भी मौजूद था तो वो 3 जो मेन आइटम्स है ना बाहर एक ग्रोसरी पे जो होते हैं वो मैं हमारा नहीं आया है, तो इसलिए ये थोड़ी चीज़ें इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में आ गई हैं। और यह है जी 2 किलो बेसन, ये माश की दाल है, मैं 1 kg लाई हूँ, तो क्योंकि माश के दही वो भड़े होते हैं ना, दही भड़े वो बनते हैं बहुत अच्छे, और कुछ सालन वगैरह भी एक दो बार बन जाता है, तो इसलिए मैं बड़ा पैकेट लाई हूँ। लोबिया है 1/2 kg, बाकी सारी दालें मैं जो है ना 1/2 kg लाई हूँ, चने की और मूंग मसूर की। और जी ये भल्ले पकौड़ियों के पैकेट, नूडल क्यों ना हो, ग्रोसरी और नूडल ना हो ये कैसे हो सकता है। और इसका एक पैकेट सेवैयां हैं, ये वाइट चने हैं बड़े वाले, मुझे यही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके अलावा जी एक ये है पास्ता, और ये है क्या बोलते हैं इसको, मूंग की दाल है धुली हुई, वो इसकी ये भी दही भड़ों में यूज़ होती हैं, माश की और मूंग की, ये दोनों को मिक्स करके। और ये है जी बाजरा है, मैंने कहा चलो दिख गया था मुझे वहाँ पे पड़ा हुआ, तो मैंने कहा चलो ऊपर बर्ड्स वगैरह आते हैं ना, गर्मी भी हो रही है तो पानी वगैरह भी रख देते हैं, तो चलो ये भी साथ डाल दिया करूँगी, ये भी खा लिया करेंगे। और ये जी हमारी सारी ग्रोसरी अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें तकरीबन आ चुकी हुई हैं, बस इंशाल्लाह अब खैर खैरियत से रमज़ान आ जाए और हम सब अच्छे से रमज़ान कर सके। इस बार रमज़ान की तैयारी लेट हो गई है मेरी, और जी यूरो स्टोर से हमने सारी शॉपिंग की है, ग्रोसरी की है, तो ये है जी उसका सारा बिल। और मंथली जो ग्रोसरी करते हैं ना उससे थोड़ा सा बिल ज़्यादा बना है, अल्लाह ताला हर एक को रमज़ान की नेमतें देखना नसीब फरमाए और हम सब पर भी अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, और हमें सबको ये चीज़ें खाना नसीब फरमाए, आप सबको भी अल्लाह ताला हर चीज़ नेमत अता फरमाए हर एक को। तो जी यहीं तक था मेरी आज की वीडियो, तो मिलेंगे आप अगली नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ, तो देखते रहिए, अल्लाह हाफिज़।